JNU के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हों, रोहित वेमुला और सोनी सोरी के साथ खड़े हों। JNU में मतलब पूरा JNU नहीं, पूरा JNU में वहाँ पे कुछ लोग हैं, अगर गलत कर रहे क्या गलत तो बोलना चाहिए ना, जरूर बोलना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे, अगर वो बोल रहे कि भारत की बर्बादी कर, भारत की बर्बादी उन्होंने बोला ही नहीं। झगड़ा हुआ, टीवी वाले आ गए, टीवी वालों ने कुछ ही पोर्शन दिखाया, आधी चीज छिपा दी, वो सब किया जो कि खुलासा आ रहा है। स्टूडेंट लोग क्या बोल रहे हैं, हमने नारे नहीं लगाए और इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, हम तैयार हैं उसके लिए और हम हमें फंसाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट की बात को मानने को तैयार हूँ, उनको मौका देना चाहिए। थोड़ा छात्र हैं, बहस मतलब उन्होंने जो नया रास्ता है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, जो उन्माद रास्ता डाइवर्ट हो गया, जो ऐसा लग रहा है जो गलत उन्माद मचाया जा रहा है कि देश दो ये फांसी दे दो के खिलाफ। चलो ठीक है, इट्स ओके, हम लोगों को जो प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जो घोषणाएं की कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे तो कहां करेंगे? एब्सोल्युटली मैडम, और घोषणाएं क्या की? उसके पहले पाकिस्तान जिंदाबाद है, एबीवीपी के लोगों ने कहा, ये प्रूव हो गया कि किसी ने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं कहा। हम आपसे बात कर रहे हैं सोनी सोरी के बारे में, आप बार बार JNU क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं हम बोलते हैं? आप बाहर आ जाओ, आपने जो कहा है, सी मैडम, डोंट वांट टू लिसन, यू आर ओनली टॉकिंग, आई एम टेलिंग यू, सेम थिंग यू आर डूइंग, दैट सेम थिंग यू आर डूइंग, यू आर टॉकिंग अबाउट टू और थ्री न्यूज़ चैनल्स, यू हैव नॉट सीन ऑल द न्यूज़ चैनल्स व्हिच हैव टोटल्ड ऑल द evidence, and that is what the police are going back. Police are showing one slogan and we have condemned that slogan. But one slogan we also don't agree with. So what is the problem? You have condemned the slogan, you have not agreed. That means there was a slogan. Yes, that barbaric slogan. But the person who has been charged, nobody has been denied in jail. You are all, you are not supporting this. Listen, the person who has been charged with raising that slogan has not raised it at all. The other people, there is no evidence today with the police. No evidence. You have seen the video. And this is something that the media people who you depend upon. You depend upon all your news from the media people. The media people are themselves saying this, that this evidence was doctored evidence. But what happened? The media people are themselves saying one slogan, no, so many things have happened. Media sir, you have got your information. आपका information media से आया है, अभी media में ही ऐसा information आया है, newspaper में भी आपका information कहाँ से आया? Media से और shouting the बर्बादी slogan, वही newspaper, वही media कह रहा है कि ये सब गलत evidence है। आपने सही बोला आज इंडियन एक्सप्रेस में क्लियर आ गया, क्लियर आ गया, उसने कुछ भी नहीं ऐसी बात की, पाकिस्तान का वर्ड ही बोल रहे हैं ना, आपका गलत है, आपका आज का इंडियन एक्सप्रेस रीड करो पूरा डिटेल, रीड आउट दैट डिटेल, किसी के ऊपर ये करता पुलिस देख ही देती है, और सिर्फ ये दोष लगाने से ये अगर बढ़ता गया ना तो आपको यहाँ खड़ा रहना मुश्किल होगा। हमको तो मतलब हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तो होगा ही, लेकिन सामान्य जनता के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, ये सोचिए आप। इस गुंडागर्दी कोर्टान दिलेली आहे, कोर्टाची ऑर्डर आहे, केस आम्ही तुम्हाला सांगतो, कोर्टाची कोर्टान दिलेली जागा आहे, तुम्हाला 15 मिनिट तुम्ही म्हणता, 6 तुम्ही म्हणता, तुम्ही एक मान्य एक सवाल फक्त करतो, माझ्याकडे पण नाही, परवा राजपुरोहित त्यांनी केलं, बजरंग दमालांनी पण केलं, रस्त्यामध्ये
सव्वा ते दीड तास आम्हाला अर्धा तास पण नाही देणार साहेब. अर्धा तास ऑलरेडी झाला आहे ना. दुसरे पण काय आहे ना आमच्याकडे. आम्ही आम्ही तुम्हाला नेतो आझाद मैदान. बसा तिथे काय करायचं जरा ते पब्लिक नाही माहिती पडण्यासाठी. मग बाकी स्टेशनला जसा सायलेंस झोन हायकोर्टाने केला की हायकोर्टाने This license process is a democratic country. That's what it is. You can support the terrorist. It is not wrong. You are supporting the terrorist. You are supporting the terrorist? Yes, yes. JNU people, that is you are supporting the terrorist organization. You should give this. You throw this. We don't want this. Your place, your place. Why you are interviewing our work? Let us do our job. And you are just talking about the High Court's order. I am also talking about the High Court's order. Nobody is raising slogans here. This is a silence. Nobody is violating that. Sabka le rahe hai, don't worry. Why you are worried? दहा मिनिटं प्लीज. मला मान्यच आहे माझी हंबल आहे तुम्हाला. आम्ही आता अलाव केलं नाही एवढं. चला पटकन डिस्पोज होऊन जा. तिथे संपला पटकन डिस्पोज होऊन जा. हक्काची विद्यार्थ्यांची जेएनयूचा विशेष ऍक्ट आहे. भारताची राणी इंदिरा गांधींना सुद्धा प्रवेश नाही दिला. तर बस्ती कसे येऊ शकतात जे काही बीजेपीच्या शिरावर असतात ते बस्ती. अभी 10 बार बोला आपको. अभी और 5 मिनट में नहीं नहीं आप 15 पैम्पलेट वाटल की मैं 5 प्लीज सिस्टर फॉर मत कीजिए. हम इथे बसणार. फडके साहेबांची बोलणं झालं. आम्ही काय म्हटलं की 5 मिनिटं बसलो होत्या. 5 मिनिटं डिस्टर्ब आम्ही पण नाही करत तुम्हाला. पण तुम्ही पण नका एवढं सांगतो. पोस्टर खाली जा. पोस्टर खाली. पोस्टर खाली. समजा आम्ही कपडेच असे बनवले ते तेव्हा तुम्ही म्हणाल कपडे घालू नका असं पण म्हणणार. तुम्ही मॅम चला 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 आता चला डिस्पोज व्हा. आम्हाला पर्चा द्यायला पण हायकोर्टाची ऑर्डर आहे. हायकोर्टचा ऑर्डर आम्ही पण तुम्ही मानत असाल इथे नाही आम्ही कोणी परवानगी नाही दिलेली. मी सिनियर आहे. मी परवानगी नाही दिलेली तुम्हाला. आम्ही अगोदर ऑर्डर तुम्हाला नोटीस दिलेली आहे. प्लीज एकदम मेसेज प्लीज. लेट मी डू माय जॉब. लेट मी डू माय ठरलं ना तर लोक नाही. आम्ही तुम्हाला म्हणतो 5 मिनिटात आम्ही ऐकू. तुम्हाला ऑलरेडी ऍश्युरिटी दिली. 5 मिनिटं म्हणजे किती मिनिटं झाली ना बघा. अहो पण बघा ना 5 मिनिटं तुम्ही बहस करता. सोनार साहेब झाले हो 5 मिनिटं. आता असं काय करताय. 5 बट वी आर नॉट बीन अलाउड ऍक्च्युली. साहेब एक सांगू तुम्हाला प्लीज.
ही डेमोक्रॅटिक स्पेस आम्हाला वापरू द्या करत नाही. हो मॅडम, हाय कोर्ट सांगा, हाय कोर्ट सांगा डेमोक्रॅटिक स्पेस. नाही काय बोलतो तेवढंच ऐकलं ना आम्हाला इथे परवा. जे आम्ही बोलतो तेवढंच ऐकून घ्या तुम्ही. आम्ही ही डेमोक्रॅटिक स्पेस वापरू द्या लोकांना, कारण लोक तिथे माहीत करू शकले नाहीत ना, व्यक्त नाही करू शकले ना त्यांच्या मनात जे काय आहे. मग वेगवेगळ्या पद्धतीने ते बाहेर येतं. तिथे छान शांतपणे सगळे करत आहेत, ते करू दे शांतपणे. काही कोणालाही त्रास नाही. तुमच्या तुमच्या कायद्याला सुव्यवस्थेला काहीही प्रॉब्लेम नाही, कसलाही धोका नाही. इथे इतका वेळेत लोक थांबलेले, काही आवाज नाही केला. तुम्ही बोललात घोषणाबाजी करू नका, कोणीही घोषणाबाजी नाही केली, काही नाही केलं. ही एवढी डेमोक्रॅटिक स्पेस द्या माणसाला इथे. कामगारांना सांग तुम्ही संप नाही करायचा, हा बाकी कोणाला सांगता दुसरं काही करायचं नाही. प्रत्येकाला कसं चालेल? मग रोहित वेमुला नाही, रोहित वेमुला वेगवेगळ्या ठिकाणी होती. सोनी सोडी नाही बरोबर, पण आम्ही काहीच केलं नाही. आम्ही तुम्ही तुम्ही सांगा नाही, तुम्ही मला सांगा आतापर्यंत नाही. ते बघा, ते गोष्ट वेगळी. आम्ही बोलतोय आम्ही कायद्याला सुव्यवस्थेला काय त्रास झालेला आहे आम्हाला सांगत. आम्हाला प्रूफ एवढाही द्या, हरकत नाही. एवढं प्रूफ द्या आम्हाला. काय इथपर्यंत आतापर्यंत जमा झालेले लोक, आता काही केलेलं नाहीये. एवढी डेमोक्रॅटिक स्पेस असले माणसाला, कारण निदान श्वास घ्यायला तुम्ही एवढे माणसाला आम्हाला आम्हाला माहितीये. आणि आम्ही इथे येतोय. नाही काय तुम्ही बोलताय ते बरोबर आहे, पाचापेक्षा जास्त. सर तेवढी डेमोक्रॅटिक स्पेस राहू दे, एवढी राहू दे. नाही सगळे आम्ही कशाबद्दल बोलतोय, आम्ही कशाबद्दल बोलतोय, बेरोजगारी बद्दल बोलतोय, आम्ही गुंडगिरीची झालेली सरकारची त्याच्याबद्दल. आमच्यासाठी नाही, सगळ्या विद्यार्थ्यांवर त्याला फायदा होतो, सगळ्या माता भगिनींना फायदा होतो. आम्ही आतापर्यंत इथे सगळ्या कायद्याला ज्यांनी या रोहितला मारलंय स्लोगन म्हणून करायला सांगितलं, तर मग सगळं बरं. एकच फक्त द्या, सगळे एकच मिनिट इतके उभे राहतील, काही आवाज करणार नाही. आम्ही एक सगळ्यांचा फोटो काढायचं, काढून घ्या तुम्ही आणि आम्ही निघ. एवढी आम्ही तुम्हाला ऑल द बॅनर्स डाल देना, जो भी देशन कहीं दिखा है तो डाल देना. ऑल द बैनर्स को राइट अप. वी आर जस्ट 1 मिनिट. रोहित मुलाला न्याय मिळालाच पाहिजे, रोहित मुलाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, रोहित मुलाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, सोनी सुरीला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, कन्हैया कुमारला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. स्टँड अप विथ JNU, JNU, JNU. स्टँड अप विथ रोहित, रोहित, रोहित. स्टँड अप विथ सोनी सुरी, सोनी सुरी, सोनी सुरी. थँक यू व्हेरी मच फॉर व्हॉट यू हॅव अलाउड. पॅम्पलेट गोळा करा, बॅनर्स आपण लोक बाहेर जमा वगैरे चाय पी के आपण आपला निघेल. पोस्टर बंद करा, पोस्टर खाली करा, पहिले पोस्टर खाली करा, पोस्टर खाली करा, पोस्टर जमा करा. तिकडे शब्दातील आहे, आता आम्ही इकडे काय कुठे जाणार नाही, काय करणार. चला आता चला निघा निघा. चला.
Murdabad!
आप लोगों से हम लोग कुछ बातें करना चाहते हैं। फिलहाल जो अभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उसकी तीन वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि पहले छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में जो सोनी सोरी पर हमला हुआ है, हम लोग उसके खिलाफ पूरे साथ में खड़े हुए हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही राज्य सरकार कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर वहाँ पर कार्य काम कर रहे कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही है। वहाँ से धीरे धीरे जो लोग लीगल एक्ट पर काम कर रहे हैं, जो लोग जेल के अंदर बेकसूर आदिवासी जो जेल के अंदर बंद हैं, उनके लिए जो काम कर रहे हैं, उनको उनके और उनके परिवारों को धमकियां दिया जा रहा है, उनको बाहर निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग रोहित वेमुला के जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ, हैदराबाद रोहित वेमुला को मरने पर मजबूर करने के लिए जो हत्यारे है, जो गवर्नमेंट जो हत्यारी है, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जेएनयू प्रशासन, जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरकार है दिल्ली में जो पूरा का पूरा पुलिस ने उनके ऊपर जो हमला किया है, जो गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने जो जेएनयू के स्टूडेंट पे हमला किया है, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे हम लोग मैं थोड़ा धीरे मैं कुछ बातें पढ़ना चाहता हूँ जो कि हम लोगों ने पर्चे में भी शामिल की है। दलित और आदिवासियों पर हमले होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अड़िगदार से खड़ी होने वाली और हाल ही में क्रूर हमले की पीड़ित सोनी सोरी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अपना काम और घर पुलिस द्वारा प्रायोजित गुंडों द्वारा छोड़ देने पर मजबूर कर दी गई मालिनी, शालिनी और ईशा और अन्य एवं बेला 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 जो उनको बाहर निकाल दिया गया, हम लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। यहाँ पर राज्य प्रायोजित जमीन को खाली कराने के अभिप्राय से फर्जी मुठभेड़ में मारे गए आदिवासियों को के साथ में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ और तमाम विश्वविद्यालयों के जन आंदोलन को सुव्यवस्थित ढंग से जो उनको एक प्लानिंग के तहत जिनको खत्म किया जा रहा है, जिन सभी आंदोलन को, चाहे वो आदिवासियों के हो, चाहे छात्रों के हो, चाहे वो किसी के भी हो, दलितों के हो, सभी आंदोलन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोग रोहित वेमुला की
उठ रही बुलंद आवाज को जो दबाया जा रहा है, जो एक व्यवस्थित ढंग से उसको खत्म किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जेएनयू के छात्र उमर खालिद, जो जिसको एक तरह के पूरा का पूरा एक आतंकवादी चेहरा बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है और उसको एक तरह से प्रायोजित किया जा रहा है, बाकी सभी लोगों को बंद भले छोड़कर उसको मीडिया के द्वारा उसको एक आतंकवादी चेहरा बनाया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम लोग मीडिया ट्रायल के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए रहे क्योंकि मीडिया एक ऐसा टूल बन गया, एक ऐसा हथियार बन गया गवर्नमेंट का, जिसके जरिए वो सभी देश के सभी लोगों को ये बताना चाहती है कि जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं, वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग देश के खिलाफ हैं। तो हम लोग उस मीडिया के खिलाफ भी यहाँ पे खड़ा हुए हैं। और इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी जो FTI स्टूडेंट्स का जो पूरा प्रोटेस्ट रहा, जिसको एक धीरे साजिश के तहत तबाह दिया गया, हम लोग उसके साथ भी, हम लोग FTI स्टूडेंट्स के साथ में भी यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इकट्ठा ऐसे ही होते रहे और बाकी लोगों को भी एक साथ लेकर आए, और जो जो अपना एक ईमेल और जो कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं वो लोग, एक कॉपी आपको सर्कुलेट की जाएगी, वो आप उसमें अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, जिसके जरिए हम आपको आगे तक आपसे बातचीत करते रहें और इस आंदोलन में आपके साथ जुड़े रहें। इसके अलावा अगर कोई बात कहना चाहता है तो कह सकते हैं। आज जो 23 का दिल्ली में अभी जंतर मंतर पे सभा चालू है, लगभग 15 राज्यों में छोटे मोटे प्रोजेक्ट चालू है, महाराष्ट्र के 5 जिलों में रोहित के न्याय के लिए प्रोजेक्ट चालू है। सोनी सूरी का मुद्दा अब से नहीं है, 6-7 साल से है, जब से हम लोग उसके साथ हैं, चाहे अब वो किसी पार्टी में हो, लेकिन वो जिस तरीके से जनवादी अधिकार के लिए लड़ रही है, उसके लिए हम उसके साथ हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ। लेकिन आज का जो फोकस मुद्दा है रोहित, बहुत सारे दलित रोहित जो है उनको मार डाला है आज के व्यवस्था ने, आज भी मारते हैं। इसलिए जब उसका मुद्दा उभर रहा था तब ABEP RSS ने षड्यंत्र कर ये हंगामा किया JNU का, और जिन पुलिस को अधिकार नहीं है वो घुस गए JNU में, और इंदिरा गांधी को स्वर्गीय उसको नहीं घुसने दिया, तो ये बस्सी कौन आया? बस्सी को कोई अधिकार नहीं है JNU में JNU के VC के खिलाफ घुसने का, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई पुलिस ऐसे घुस नहीं सकता बगैर परमिशन के, और वहाँ के स्टूडेंट का ऐसे अरेस्ट नहीं करता, ये कानून कहता है। भली नरिमन जैसे जो लॉयर उन्होंने बोला है कि ऐसे स्लोगन जिन्होंने दी भी है तो वो देश दो नहीं कहला जा सकता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में आज उमर खालिद का पूरा इंटरव्यू छपा है, किस तरीके से ये बनावट वीडियो सभी नहीं लेकिन कुछ चुनिंदा मीडिया में आया है, और बनावट वीडियो किसने किया है इसके बारे में भी पोल कल शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से पूरे भारत को कुछ लोग मुट्ठी में बांध कर उनकी मनमानी जैसे है करने के लिए सब लोग उनके साथ हो गए, और वही तय कर रहे कि मीडिया में क्या दिखाया जाएगा और लोग क्या पहनेंगे, लोग क्या सुनेंगे, और 2 दिन में इतना हंगामा किया जैसे कि JNU मतलब देशद्रोही का अड्डा है। तो देशद्रोही कौन है? ये अर्णब गोस्वामी नहीं तय कर सकेगा, ये दीपक चौरसिया नहीं तय करेगा, ये कोई पुलिस नहीं तय करेगा, ये न्याय व्यवस्था तय करेगी। इतने बेरोजगारी जो बढ़ाई है हमारे सिस्टम में तो देशद्रोही कौन है? दलित और मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है तो देशद्रोही कौन है? महिलाओं पर सोनी सूरी पर अत्याचार किए जाए तो देशद्रोही कौन है? ये सवाल हम लोगों ने इस पुलिस को भी, पूरी न्याय व्यवस्था का भी पूछना जरूरी है। हमें हर बार बोला जाता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ मत करो वहाँ मत करो, सत्ताधारी पार्टियों का भले आम परमिशन दे देते हो, उनको देते हैं 149 का नोटिस, 3712 का नोटिस पता नहीं, लेकिन उनको एक एक घंटा प्रोटेस्ट करना दिया जाता है, हमको वहाँ बोलते हैं बढ़ के साहब क्या बोलो न, वहाँ ये न्याय नहीं है। इसलिए हम लोग बोले कि आप जितना दमन करोगे उतना हमारा जो है ताकत बढ़ते जाएगा, ये सुन लो, पुलिस अभी यहाँ मौजूद है, उनके IB वाले तो हर दिन हमारा फोन लैपटॉप ईमेल सब टैप करना, मतलब हमारा उनका प्रेम तो बहुत ही ज़्यादा है, उनकी नज़र बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्यार करते इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, चाहे कर ले जितने भी हमारा सब ईमेल टैप कर ले, फोन टैप कर ले, लेकिन हम लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि आप कन्हैया कुमार को जिस तरीके से अरेस्ट किए हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए हम कहते हैं कन्हैया कुमार को रिहा करो, रोहित मिला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बंडारू दत्तात्रेय को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ABVP के सुशील कुमार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अप्पा राव पुडिलो को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रूति ईरानी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अप्पा राव पुडिलो को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, बंडारू दत्तात्रेय को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ABVP के सुशील कुमार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रोहित मुला को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सोनी सूरी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, रोहित कन्हैया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, उमर खालिद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो,
की रोले बिना एक्सचेंज जैसे लोगों को भी देश दोही के सेडिशन के चार्जेस लगाए तो उन्होंने अरेस्ट किया था। हमारे दोस्त शंतनु कामलेकर भी ऐसे यूएपीए उन्होंने लगाया था। ये सब दलितों को मुस्लिमों को फंसाने के लिए यूएपीए कोटा टाड़ा और ये सेडिशन के ब्रिटिशों के जमाने से चले आ रहे कानून, ये अभी उसका दुरुपयोग पुलिस भी करते हैं। पुलिस भी अपना जात और धर्म का पूर्वग्रह लेकर हमारे ऊपर अन्याय करते हैं। बहुत सारे केसेस है, श्री कृष्ण आयोग से लेकर बहुत सारे केसेस में हम लोग देख सकते हैं। रमाबाई अंबेडकर के नगर के केस में भी देख सकते हैं। पुलिस बोलता है रमाबाई अंबेडकर नगर के बारे में डॉक्यूमेंट्री मत दिखा। अरे ये उनका राज है क्या? ये जनतंत्र है तो हम जो बोलेंगे वो दूसरे को सुनना है या नहीं, लेकिन बोलने का हमको अधिकार है। चाहे अभी प्रोटेस्ट में जैसे हम लोग कुछ कह रहे थे, कोई लोगों का डिबेट चल रहा था तो पुलिस हमको बोल रही थी आप बंद करो। अरे भाई आप उनको उठाओ, उनको ले जाओ। हम एकदम सीधे साधे तरीके से बात कर रहे हैं। रोहित की क्या बात है, गलित उम्र गलित की क्या बात है और जेएनयू में क्या हुआ है? ये लोग सुन रहे हैं लेकिन पुलिस सुनना नहीं चाहती है। मुझे पुलिस आना क्या वट ए जय मंटी तिथे आम्मी थांबाव तिथे गाने मनावे ये चालणार आहे का? पुलिस की तरह शायद नहीं चलेगी। रोहित को न्याय मिलना चाहिए। जय 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 रोहित को न्याय मिलना चाहिए। कन्हैया को न्याय मिलना चाहिए। उमर खलित को न्याय मिलना चाहिए। सोनी सूरी को न्याय मिलना चाहिए। एक्चुअली हम लोग खत्म करके यहाँ चाय पीने बैठे थे, खड़े हुए थे, तो सिंपी करके जिसका नाम है पुलिस सिपाही वो बोले थे यहाँ चाय भी मत दो। अरे भाई तुम्हारा बाप का राज है क्या? हम वहाँ नहीं चाय पी, तो इसलिए फिर हम लोग इधर आए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो हम लोग जा रहे थे चाय पीने के बाद। साथियों साथियों अभी फिलहाल जैसे कि साथी स्लोगन होगा, उससे पहले एक चीज मैं बोल दूं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप अगर बात करें छत्तीसगढ़ की जेलों में सेडेशन के अंदर बहुत सारे आदिवासियों को, बेगुनाह आदिवासियों को भरा जा चुका है। उसके अलावा बिहार में सेडेशन के बहुत ज्यादा चार्जेस लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में भी वही हालत, हर जगह वही हालत। जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उसको देशद्रोह के मुकदमे में अंदर कर दिया जाता है। तो हम लोग साहब भी चाहते हैं कि सोनी सोरी के हमलावरों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। छोटे मुठभेड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी महिलाओं का लैंगिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमन का राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल जंगल हमारा है, हमारा है, हमारा है। इसके बाद में मयंक अभी मयंक अभी मयंक और रोजी हमारे सामने कुछ प्रेजेंट करेंगे। बहुत सीरियस बात हो गई। ऐसा है, दिल्ली में 12 साल रहा और चूँकि आप लोग मुझे पीट सकते थे इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि मैंने 12 साल एक टेलीविजन मीडिया में काम किया। जिन लोगों के बारे में बात हो रही है उन सबके साथ मैंने काम किया है, सबकी असलियत जानता हूँ, सबकी औकात जानता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग बार बार उनका नाम लेके उनको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उनके चैनल में उनकी इतनी औकात नहीं है, एम्प्लॉई के तौर पर उनको इज्जत नहीं देते इतनी आप लोग यहाँ पर उनका नाम ले रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए इन सबको। तो दूसरी बात यह कि अभी हमने हरियाणा में देखा क्या हुआ, एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। दिल्ली में जिन लोगों ने वकीलों ने मारा पीटा, खुलेआम घूमते रहे, 2 दिन मारा, 3rd दिन उन्होंने गांधी की फोटो लेके इंडिया गेट तक जुलूस निकाला और कल फिर पकड़े गए और अभी तक पकड़े नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है। तो हम लोग अपना गाना जो है वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, क्या हो रहा है। तो एक पुराना फिल्मी गाना है, उसकी एक पैरोडी है, रोशनी ने बनाई है, शानदार, रोशनी ने लिखा है, रोशनी गाएंगे और हम सबको साथ में गाने को। हाँ, उसके पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले एक हफ्ता मैं जेएनयू में था और वहाँ थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, मतलब वहाँ ऐसा हो रहा था कि अंदर के जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर इतना बहुत कम मीडिया कवरेज मिल रहा था। लेकिन एक तो ऐसा लोग थे जो काफ़ी राइट विंग था, काफ़ी राइट विंग थे, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा फोकस था। और उसके पहले भी जब मीडिया वाले आए थे और कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने लगे
और जब वो इंटरव्यू जब वो स्टूडेंट ऐसा कुछ बोल रहे थे जो उनको पसंद नहीं था तो तुरंत वो बंद करके किसी और के ऊपर किसी और के पास जाके इंटरव्यू करना शुरू किया। तो ये एक्चुअली एक जेएनयू पर टारगेट करना काफ़ी बहुत टाइम से इनका टारगेट था, लेकिन यहाँ अभी इस जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था वहाँ पर ऐसा कुछ लगा जहाँ पर थोड़ा डॉक्टरिंग करके एक ऐसा कंसेंट बनाने का मौका मिला और वो मौका पर उसने इस मौका का फ़ायदा उठा के एक ऐसा सिचुएशन बनाया जहाँ पर स्टूडेंट्स को आतंकवादी का और एंटी नेशनल देशद्रोही का लेबल मिला है। और इसलिए लेकिन बहुत सारा चीज़ें इसमें जुड़ा है कि जैसे रोहित का सिचुएशन और कन्हैया का सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है, वो दोनों ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आ रहे थे और वो वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ डिटर्मिनेशन अपने हक के लिए लड़ रहे थे और इसलिए ये चीज़ उनको पसंद नहीं था। ये चीज़ जहाँ पर दलित लोग और लोगों जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से है वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़े, ये एक्चुअली मनुवादी के खिलाफ है और हम मनुवादी का खिलाफ लड़ना चाहिए। और लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या मनुवादी की प्रॉब्लम है या एक प्रकार का टूल है लोगों को दबाने के लिए, लेकिन फिर भी मनुवाद के खिलाफ और बहुत सारे ऑपरेशन के खिलाफ का के बारे में हमको बोलना चाहिए। और ये जो गीत हमने लिखा था वो एक कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट हर समय में एप्लीकेबल है। तो इसलिए तो मैं इन शॉर्ट बहुत सारी बातें सुनने की मूड में कोई नहीं हूँ, इन शॉर्ट ये गोलियों के खिलाफ गीत है, इट्स अ बैलेड अगेंस्ट बुलेट्स। तो इस गीत का नाम है भारत मेरी जान, बहुत बार गाया हूँ मैंने लेकिन हर समय एप्लीकेबल लग रहा है, तो फिर से हम गाएंगे।
सभी लोगों से गुजारिश है कि आगे जो भी हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आपको जानकारी भेजी उसमें आप शरीक हो और उसके अलावा बाकी लोगों तक भी मैसेज को पहुँचाएं, इस संदेश को पहुँचाएं और मूवमेंट को और भी बड़ा करें। सिर्फ एक स्टूडेंट का मूवमेंट नहीं है, आदिवासियों का मूवमेंट नहीं है, हम सभी का मूवमेंट है, क्योंकि उन सभी के बाद अब हमारा नंबर भी है, तो हम लोगों को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जो चाय पीने के लिए आना चाहते हैं वो हम लोगों के साथ। मतलब अभी प्रोटेस्ट अपना खत्म हुआ है और